नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण का कहर। एक साथ मिले 55 पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1300 के पार। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। बिना मास्क और बेवजह सड़कों पर घूमने वालों की लगाई क्लास। लॉकडाउन के दौरान भागलपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी बन्नी खान को किया गिरफ्तार। कई मामलों में चल रहा था फरार। डेढ़ करोड़ की लागत से बना विद्युत शब्दागृह की हुई शुरुआत। मेयर और डिप्टी मेयर ने किया उद्घाटन। और नवगछिया में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए युवक के साथ स्थानीय लोगों ने की मारपीट, मामला दर्ज। अब समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लगाया जा सका है। बता दें कि प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। जिले में लॉकडाउन होने के बावजूद कोरोना संक्रमितों की वृद्धि में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि पहले की तुलना में लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमितों का ग्राफ और तेजी से चढ़ा है। राज्य में भागलपुर दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों का शहर है। गुरुवार को मिली ताजा अपडेट के अनुसार जिले में 55 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 1300 के पार पहुंच गई, जबकि पड़ोसी जिला बांका से 15, पूर्णिया से 24, सहरसा से 7 एवं कटिहार से 8 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो ऐसा लगता है मानो राजधानी में कोरोना संक्रमितों का विस्फोट हुआ हो। पटना में सर्वाधिक 378 नए संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। राजधानी में एक दिन में इतने संक्रमित मरीज पहले कभी नहीं पाए गए। 378 नए संक्रमित मरीजों का मिलना स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य सरकार की लापरवाही का पोल खोल रहा है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर गुरुवार को शहर के खलीपाबाग चौक, तिलका मांझी चौक एवं विभिन्न स्थानों पर सघन वाहन तलाशी अभियान चलाया गया। CTSP सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के दौरान कई बाइक चालकों और कार चालकों को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान बिना मास्क लगाए लोगों से जुर्माना राशि वसूला गया, साथ ही बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों को जमकर फटकार लगाई गई। CTSP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए आम लोगों को घरों में रहकर पुलिस प्रशासन की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक शहरवासी खुद जागरूक नहीं होंगे और सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, तब तक स्थिति पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल होगा। इधर CTDSP राजवंश सिंह ने खलीपाबाग चौक के समीप बिना कारण घरों से निकलने वालों को सख्त हिदायत दी, साथ ही दोबारा सड़कों पर मटर गश्ती करते हुए पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, आज से 31 तारीख तक पूर्णतः लॉकडाउन है। उसमें कई शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, क्या क्या दुकान खुला रहेगा, क्या दुकान बंद रहेगा, क्या एक्टिविटी होगा, क्या एक्टिविटी नहीं होगा। हम लोग सभी वही देखने आए हैं और आप तक देख रहे हैं कि पब्लिक का भरपूर सहयोग मिल रहा है। पूरा दुकान जिसको बंद रहना है वो दुकान बंद है, जो दुकान खुला रहना दुकान कल खुला है। कुछ लोग जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, यहाँ CTDSP साहब हैं, अपनी पूरी टीम के साथ उस पर चेक कर रहे हैं। उन्होंने कई फाइन भी किया जो मास्क नहीं पहना है, जो उल्लंघन किए हैं वो गाड़ी का जैसे कोई का पेपर नहीं है, उल्लंघन हुआ, हेलमेट नहीं है, उसका फाइन हुआ है। और अभी भी चेकिंग में एक कुख्यात अपराधी है जो कि कांड में वांछित भी था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। अभी देखिए वहाँ भी ये टीम फिर वहाँ भी जाएगी, है ना, ये टीम पूरा घूम घूम के चेक कर रही है और हर जगह लोग चेक कर रहा है, हर जगह फाइन हो रहा है। वाहन चेकिंग के दौरान भागलपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी बन्नी खान को खलीपाबाग चौक पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान बन्नी खान की गाड़ी से पुलिस ने हॉकी स्टिक बरामद किया है। दरअसल लॉकडाउन में डॉन बन्नी खान अपनी कार से शहर का सैर सपाटा करने निकला था, तभी खलीपाबाग चौक के समीप CTDSP राजवंश सिंह ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन चेहरे पर मास्क होने के कारण पुलिसकर्मी बन्नी को नहीं पहचान सके और जाने दिया। पर जैसे ही CTDSP राजवंश सिंह की नजर बन्नी पर पड़ी, उन्होंने तुरंत पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया, जिसके बाद इसाकचक पुलिस ने अपराधी बन्नी खान को गिरफ्तार कर लिया। बन्नी खान कार से अपने टूटे हुए हाथ का प्लास्टर कराकर वापस अपने घर लौट रहा था और इसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया। बता दें कि बन्नी खान पर गोलीबारी, चोरी, छिनतई, एक्सटॉर्शन समेत कई मामले शहर के विभिन्न थाना में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए अपराधी से पूछताछ कर रही है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भागलपुर शमशान घाट पर बने विद्युत शब्दागृह गुरुवार से चालू हो गया। मेयर सीमा शाह और उपमेयर राजेश वर्मा ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर विद्युत शब्दागृह का विधिवत उद्घाटन किया।
मेयर ने कहा कि विद्युत शब्दागिरी चालू हो जाने से मध्यम एवं निम्न वर्गीय परिवार को काफी राहत मिलेगी। वहीं उपमेयर ने बताया कि अब अंत्येष्टि के दौरान मनमाने तरीके से वसूली करने वालों पर लगाम लगेगा। साथ ही डिप्टी मेयर ने कहा कि कमाई का जरिया बंद होने से शमशान घाट पर रहने वाले लोग विद्युत शब्दागिरी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। डिप्टी मेयर ने जिला प्रशासन से इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर फिलहाल निःशुल्क संस्कार किया जा रहा है। बता दें कि 1.5 करोड़ की लागत से वुडको की देखरेख में विद्युत शब्दागिरी का निर्माण हुआ है। मैं ये आज जनता के प्रशिक्षण देखते हुए आज इसको चालू किया गया, तो यहाँ पर ये भी रखा गया कि रेट आपको तय बोर्ड की बैठक में होगी और अभी फ्री किया जाएगा, किसी से कुछ एक रुपया भी नहीं लेना लेना है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना महामारी के इस दौर में जिन भी लोगों की मौत कोरोना से हो रही है, तो ये देखा जा रहा है कि उनके परिजन जो है वो बॉडी को एक्सेप्ट करने से, सब को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो ऐसी इतनी भी लवारिस सब है, उसको अंतिम संस्कार करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। यहाँ से भी बहुत सारी शिकायतें जिला प्रशासन के पास हम लोगों तक पहुँच रही थी कि यहाँ भी जो है सब को जलाने में बड़ी परेशानी हो रही। इसको देखते हुए आनन फानन में हम लोगों ने थोड़ा सा तकनीकी काम बचा था विद्युत शब्दागिरी का, उस तकनीकी कार्य को विगत 2-3 दिनों में पूर्ण कराया गया और आज जो है विद्युत शब्दागिरी शुरू हो गया है। और अभी हम लोग फिलहाल जब तक ये कोरोना महामारी है कुछ दिनों तक, अभी हम लोग कोई भी शुल्क लोगों से लेने का काम नहीं करेंगे। नवगछिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि वार्ड संख्या 21 निवासी अवधेश गुप्ता का पुत्र कुणाल कुमार कोरोना से संक्रमित था, जिसकी इलाज के बाद रिपोर्ट निगेटिव आई और उसे कोविड-19 सेंटर से 1 हफ्ता पहले ही रिहा कर दिया गया था। मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि अशोक भगत के मकान में उसका गोदाम है, जहां वो कुछ सामान लाने गया था। इसी दौरान अशोक भगत, उसके बेटे विधान चंद्र और उसका भाई विकास भगत, तीनों ने कुणाल को कोरोना मरीज बोलकर गाली देना शुरू कर दिया। इस पर कुणाल ने बताया कि अब वह कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुका है, उसकी जाँच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाते हुए अशोक भगत ने अपने भाई और पुत्र के साथ मिलकर रॉड एवं डंडों से मारकर कुणाल को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से कुणाल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर पीड़ित ने नवगछिया थाना में लिखित आवेदन देकर तीनों आरोपियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुझे अभद्र गाली देते हुए कहा कि तुम कोरोना पेशेंट हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं कोरोना पेशेंट नहीं हूँ, मैं कोरोना योद्धा हूँ। मैंने कोरोना लड़ाई लड़के आया हूँ और आज मुझे आए हुए 8 दिन हो गया। इसके बाद भी उन लोगों ने नहीं सुना मुझे गाली देते हुए। बदले में उसका जो है चचेरा भाई विकास कुमार उर्फ पिंकू भगत, उसने मुझे लाठी रड से यहाँ पे मारा, अशोक भगत टेबल से मारा और मेरा बाबू भगत जो है मेरा हाथ नोचा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है।
आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका में झपटमारी की घटना काफी बढ़ती जा रही है। आए दिन झपटमार किसी न किसी को चूना लगाकर निकल ले रहे हैं। ताजा मामला अमरपुर बस स्टैंड के समीप का है, जहां कौशलपुर गांव निवासी चंदन कुमार चौधरी बैंक ऑफ इंडिया से पैसे की निकासी कर ऑटो स्टैंड के समीप खड़े थे। इसी दौरान बाइक से आए दो झपटमारों ने चंदन के हाथ से पैसे से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। मामले को लेकर चंदन कुमार ने बताया कि उसके छोटे भाई पवन चौधरी ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक हैं, जिनके द्वारा दिए गए चेक से 4,40,000 रुपए की निकासी कर वह अपने गांव जा रहे थे। तभी ताक लगाकर बैठे झपटमारों ने पैसे पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित ने मामले की लिखित आवेदन अमरपुर थाना में देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक अमरपुर से 4 लाख रुपया, 4 लाख एक अकाउंट से, 40,000 एक अकाउंट से, 4,40,000 निकाल के अपने बाइक से घर कौशलपुर जा रहे थे। बस ऑटो स्टैंड के पास पीछे से दो पल्सर मोटरसाइकिल से आया, मेरा भोला झपट के भाग हम पीछे से हल्ला करते हुए बाइक से दिसंबर चक तक उसका पीछा किया। अचानक मेरा बाइक बंद हो गया और वो आँख से ओझल हो गया। कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, पर लॉकडाउन का असर लोगों की आम जिंदगी के साथ साथ अब पर्व त्योहारों पर भी दिखने लगा है। धूमधाम एवं उत्साह के साथ किसी भी मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं की जा रही है। वहीं अंग प्रदेश का प्रसिद्ध लोक पर्व मां मनसा विषहरी पूजा की शुरुआत कलश स्थापना से हो चुकी है, जबकि मुख्य पूजा 17 और 18 अगस्त को की जाएगी। कोरोना का प्रकोप है कि जहां मंदिरों के बाहर मेला सा माहौल होता था, मनसा देवी मंदिरों में बिहुला विषहरी के गीत गूंजा करते थे, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। भागलपुर चंपानगर स्थित प्राचीन मनसा देवी मंदिर में लॉकडाउन के कारण पंडितों एवं इक्का दुक्का श्रद्धालुओं ने ही पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि विषहरी पूजा के अवसर पर लोग डलिया चढ़ाते हैं, पर इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम लोगों के डलिया चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। इस वर्ष सिर्फ मंदिर समिति की ओर से डलिया चढ़ाई जाएगी। पंडित संतोष झा ने बताया कि मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन करते हुए बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। मुख्य पूजा भागलपुर के चंपानगर में होती है, जहाँ पर कि देवी मनसा का मुख्य मंदिर है और वहाँ बहुत ही बड़े पैमाने पर ये पूजा होती है। मनसा विषहरी की जो कथा है, ये शिव की मानस पुत्री मनसा और चंपानगर के व्यवसायी चांदो सौदागर के संघर्षों की कथा है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहें या लोगों की बेवकूफी, जिसके कारण शहर में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। लोग बेवजह और बिना मास्क लगाए ही सड़कों पर निकल रहे हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में ई रिक्शा और ऑटो का परिचालन भी हो रहा है। पूर्व में जिस तरह लॉकडाउन को लेकर पुलिस सक्रिय थी और इसका पालन कराने के प्रति गंभीर थी, लेकिन लॉकडाउन रिटर्न में लोगों के मन में पुलिस का भय नहीं दिख रहा है।
राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ई रिक्शा ऑटो समेत अन्य वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक है। इसके बावजूद वाहनों पर सवारियां ढोई जा रही है। यह हाल शहर के विभिन्न हिस्सों का है जहां पुलिस के सामने ही यात्रियों की आवाजाही होती रही। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद बांका के अमरपुर में भी इसका असर दिखने लगा है। गुरुवार की सुबह से ही विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बाजार में किराना दुकान खोलने की इजाजत है। 10 बजे के बाद अमरपुर बाजार में पूरे तरीके से लॉकडाउन का असर दिखने लगा। सड़कें सुनसान हो गई, बाजार में सन्नाटा पसर गया। वहीं गांधी चौक पर पुलिस बलों के द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान माइकिंग कर लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। अमरपुर थाना प्रभारी कुमार सन्नी जगह जगह जाकर लोगों से सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करते दिखे। थानाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा कर रही है और ऐसे संकट में जनता को भी घर पर रहकर पुलिस का सहयोग करना चाहिए। अमरपुर बाजार में सभी को यहाँ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक यहाँ लॉकडाउन का प्रशासन भी सख्ती से पालन करवाए। यहाँ का लॉकडाउन बाजार में सारी दुकान बंद करवाए प्रशासन ने। एक भी दुकान खुला भी नहीं है। टाइमली दुकान खुलने का जो टाइम मिला है उस टाइम को यहाँ देखा जा रहा है। न्यू होराइजन स्कूल के छात्रों ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया है। छात्र रोहित आनंद 96% अंक लाकर विद्यालय टॉपर बने। वहीं 90% से अधिक अंक पाने वालों में शामिल महरीन, निशा, शानिया, आयुष, फैजान, हयात, अल्ताफ, प्रतीक, निशा, खुशी, सलोनी सहित कई छात्र छात्रा शामिल हैं। प्राचार्य समीना रहवरी ने बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी है। लॉकडाउन का प्रभावी ढंग से पालन कराने के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बांका के संसु फुल्ली डूमर में उड़नदस्ता टीम के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के हेलमेट, सीट बेल्ट, लाइसेंस समेत अन्य कागजातों की जाँच की गई। साथ ही मास्क पहनने एवं अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। उड़नदस्ता टीम में एसआई देवेंद्र प्रसाद यादव, मुकेश्वर तिवारी, संजय कुमार चौहान सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण का कहर। एक साथ मिले 55 पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1300 के पार। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। बिना मास्क और बेवजह सड़कों पर घूमने वालों की लगाई क्लास। लॉकडाउन के दौरान भागलपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी बन्नी खान को किया गिरफ्तार। कई मामलों में चल रहा था फरार। डेढ़ करोड़ की लागत से बना विद्युत शब्दागृह की हुई शुरुआत। मेयर और डिप्टी मेयर ने किया उद्घाटन। और नवगछिया में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए युवक के साथ स्थानीय लोगों ने की मारपीट, मामला दर्ज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।